तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा के एक नए नाटक के हवाले से कि इस बंदी का नाटक चेक कीजिए जिसे अपने बच्चों की फिक्र नहीं है और हर वीडियो में एक ही बात करती है, मेरे बच्चे मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और आप ये देखिए कि किस तरीके से सचिन के लिए एक ड्रामाटाइज अंदाज में, वैसे तो स्टार प्लस के इतने ड्रामे देखे सभी अंदाजा कर सकते हैं आज के इस दौर के अंदर कि इसका ड्रामा काबिले कबूल नहीं है। तो वीडियो सबसे पहले मुलायजा कीजिए। मीना जी को भूख लगी होगी, उनके लिए तरबूज काट के जाते हूँ, ऊपर होंगे शायद, अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखते, मुझे तो रखना पड़ेगा ना अपनी जान का। तो आपने वीडियो को देखा किस तरीके से तरबूज काट के अपने शोहर के लिए कहा जा रहा है कि मैं उसका ख्याल करना चाहती हूँ। मीना जी तो ख्याल करते ही नहीं है अपना, मीना जी पता नहीं पत्थर तोड़ रहे हैं, नाच की कमाई का पैसा खाते हैं, बीवी नाच रही होती है, नौटंकियां कर रही होती है और उसके वो अपना ग्रूमिंग कर रहे हैं। तो ये तरबूज काटकर एक बंदा वीडियो बना रहा है और खुद ही खुद कहा जा रहा है कि मीना जी बड़ा काम करते हैं, मीना जी ग्रूमिंग करवा रहे हैं आजकल, अपने कमरे की लोकेशन दिखाई जाती है कि देखें हम किस तरीके से बेवकूफ बनाकर यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं और ये दुनिया का वाहिद ऐसा बेगरज शख्स है जो औरत की कमाई पर पल रहा है, अपनी ग्रूमिंग करवा रहा है। आप ये देखिए कि इस दरमियान कहीं पर भी बच्चों का जिक्र नहीं है, वो चार बच्चों की जिंदगी किस तरह से खराब कर दी गई है, बल्कि वो पांचवा शख्स जिसका नाम हैदर अली और उसके साथ जुड़ी उसकी फैमिली, उसे किस तरह मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उसे किस तरह अजियत पहुंचाई जा रही है, इस बात का किसी को कोई ख्याल नहीं है। वहां से एक दलाल एपी सिंह जो है वो वहां पर झूठी रिपोर्टिंग कर जो ये केस को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं उन्हें मजीद बुरा कहकर केस को खराब करना चाहता है। एपी सिंह जैसा दलाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो झूठ को सच और सच को झूठ बनाने पे तुला हुआ है, क्योंकि उसे मालूम है कि सीमा जितनी चालाक है वो तो अपना डिफेंड कर सकती है, लेकिन अगर आप देखेंगे सचिन को जिसे बोलना तक नहीं आता उसका केस भी वही लड़ रहा है और चंद सवालात के तौर पर वो जिस तरह से उससे सवालात किए जाते हैं वो भी प्री प्लांटेड किए जाते हैं। अब कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इनके पास सिर्फ सिवाय एंटरटेनमेंट चैनल बनाने के कुछ भी नहीं बचा जिससे ये आवाम से पैसा बटोर रहे हैं उनकी व्यू शिफ्ट बनाकर, लेकिन अगर सवाल ये किया जाए कि इन्होंने आज तक इतने टाइम में किसी भी यूट्यूबर को या किसी ऐसे चैनल को बैठकर जो मुतनाज़ा शख्सियत ना हो उसे इंटरव्यू दिया, कभी भी नहीं। यो शख्स के सामने बैठना भी गवारा नहीं कर रहे जो कि जानते हैं कि इनको नंगा कर देगा, इनके सारे झूठ को सबके सामने खोल के रख देगा। इसकी बहन जाती तौर पर सामने आ चुकी है, हर एक शख्स इसके खिलाफ बोल रहा है, लेकिन ताज्जुब है कि आखिर क्या वजूहत है कि हिंदुस्तान की रियासत, हिंदुस्तान की जो इदारे हैं वो क्यों खामोशी तारी करके बैठे कि इसे जेल में नहीं डाला जा रहा और वो चार बच्चे हैदर अली को नहीं सौंपे जा रहे। लेकिन अनकरीब आप देखेंगे कि ये ड्रामा इनका ख़त्म हो जाएगा और ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इंशाल्लाह ये चार बच्चे अपने बायोलॉजिकल फादर के पास ज़रूर पहुँचेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के उन लोगों की वजह से जो हैदर अली की सपोर्ट कर रहे हैं, जो सच का साथ दे रहे हैं, जो इंसानियत का साथ दे रहे हैं। अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।